जिले भर में श्री राम मंदिर भूमि पूजन उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। सारंगपुर पचोर सहित जिले भर में धार्मिक आयोजन हुए। पूर्व विधायक और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम टेटवाल ने जिले वासियों को इस ऐतिहासिक गर्व के मौके पर शुभकामनाएं दी। मंदिरों में जगह जगह कीर्तन भजन घड़िया घंटाल बजे प्रभु श्री राम के नारे लगे। जिले सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त रहा। युवा वर्ग में बेहद उत्साह और जोश था, जैसे बरसों की मुराद पूरी हो गई। हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम जी टेटवाल हैं। पूरे देश में भव्य मंदिर के पूजन के उत्साह का माहौल है। आइए जानते हैं इनके मन में इस शुभ अवसर पर क्या विचार है। विधायक जी, भगवान का पुरुषोत्तम गाँव हिंदुस्तान के प्रत्येक अंचल के गांव आस्था और विश्वास के केंद्र। भगवान राम को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर माना नहीं जा सकता। गर्मियों में जो 500 साल पहले बाबरी ढांचे को बना दिया था, उस कलंक को धोने का काम और 1992 में वो ढांचा गिरने के बाद देश के प्रधानमंत्री सम्मान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर के कार्य जो किया है वह अविस्मरणीय है। 5 अगस्त का दिन दुनिया के इतिहास में, सनातन संस्कृति के इतिहास में स्वर्णिम दिन में बोला जाएगा। हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक मजदूर किसान जनजाति आदिवासी हर वर्ग के समाज में उत्साह है। मंदिरों में आज 12 बजे भगवान राम के जन्मोत्सव जैसा त्यौहार मनाया गया। लोगों ने घंटे और घड़ियाल बजाकर उत्सव मनाया और आज शाम को पूरे देश भर में दीप प्रज्वलित करके प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। बड़ा उत्साह और उल्लास का माहौल है। मैं भी 1990 में जब विद्यार्थी था तब विद्यार्थी के नाते बजरंग दल का कार्यकर्ता के रूप में 1990 में अयोध्या गया था और 1992 में फिर इस राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक, गांव गांव तक बड़ी बड़ी सभाएं की थी। उसी सभा का, उसी कार्य का परिणाम था कि मैं 2008 में विधायक बना और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यह राम जन्मभूमि का भूमि पूजन मेरी इन आँखों ने देखा। उस आंदोलन में भाग लिया, अपने आप में कृतज्ञ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। हमारे साथ नगर के युवा हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का वो शुभारंभ अपने जीवन में देखेंगे, क्या महसूस करते हैं हमारे युवा? बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि पिछले 500 वर्ष की जो हमारी प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई। स्वर्णिम समय में आज हम सब साक्षी हैं और इस आनंदमय माहौल में हम सब लोग जो है इसका आनंद। हमारे 500 सालों से चली आ रही इसका परिणाम स्वरूप आज भूमि पूजन के रूप में सारे देश के सामने, दुनिया के सामने विद्यमान है। इसलिए सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।